एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है वो आपको मिलता रहे और यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय सागर की काउंसलिंग के बारे में। तो काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट हो गई है, मेरिट लिस्ट जो है वो रिलीज़ कर दी जा रही है, एक धीरे धीरे करके हर सब्जेक्ट की मेरिट लिस्ट आती जा रही है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे BSc बायो और BSc मैथ्स ग्रुप की जो प्रोफेशनल मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ कर दी गई है यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो हम उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होते हैं वो मैं आपको इसी चैनल पर देती रहूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले लिस्ट की। तो ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट मैंने ओपन कर रखी है, डॉक्टर हरि सिंह और dhsgu.edu.in। तो यहाँ पर जैसे ही स्क्रॉल करते हैं नीचे आपको दिख रहा होगा एडमिशन नोटिस 22-23। यहाँ पर जो है लिस्ट रिलीज हो चुकी है और यहाँ पर लिखा है दिस इज़ अ कंप्यूटर जनरेटेड मेरिट लिस्ट और ये प्रोफेशनल मेरिट लिस्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये लिस्ट यहाँ पर आपके पास में, अगर आप मान लीजिए इस लिस्ट में आपका नाम नहीं मेंशन है और आपके मार्क्स ज़्यादा हैं किसी भी स्टूडेंट से, तो आप इस पर्टिकुलर आईडी पर, ईमेल आईडी पर admission@dhsgsu.edu.in यहाँ पर आप ओपन करके अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है, वो आप सबमिट कर सकते हो और आपको 20 अक्टूबर के पहले करना होगा। ये सिर्फ BSc वालों के लिए, BSc मैथ्स और BSc बायो वालों के लिए। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं BA LLB, BCom, BPharma, BSc BEd बायो, BA BEd, तो इनके लिए 19 अक्टूबर लास्ट डेट थी और जो BCA, BFA, BBA, BSc BEd मैथ्स इनके लिए 18 अक्टूबर लास्ट डेट थी। तो ये वाला सिर्फ BSc मैथ्स और BSc बायो के लिए है। तो हम लिस्ट ओपन करके देखते हैं BSc मैथ्स ग्रुप की। तो आप देख सकते हो BSc मैथ्स ग्रुप के लिए प्रोफेशनल मेरिट लिस्ट, तो UR में जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए हैं ये आए हैं मैक्सिमम मार्क्स थे 900 और इन्हें 900 में से स्कोर किए हैं 643 मार्क्स और ये है कुंती साव के OBC कैटेगरी। और इनको जो ग्रुप मिला है ये है फिजिक्स मैथमेटिक्स केमिस्ट्री। यहाँ पे ग्रुप भी मेंशन है, आप देख सकते हो। अगर आपने अपने प्रेफरेंसेस फिल करे हैं तो उन प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सब्जेक्ट अलॉटमेंट भी हो चुका है। जो जो आपको सब्जेक्ट चाहिए थे वो कॉम्बिनेशन आपने प्रेफरेंसेस भरे होंगे तो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस आपको मिल गया होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे दी हुई है, आप इस मेरिट लिस्ट को चेक कर लेना। यहाँ पर टोटल कितने नाम आए हैं इस लिस्ट में, टोटल स्टूडेंट्स के जो मेंशन है काफ़ी सारे नाम हैं यहाँ पर, 282 स्टूडेंट्स के नाम आ चुके हैं। तो जो लास्ट कैटेगरी है ST कैटेगरी, उसमें आउट ऑफ 900 165 मार्क्स जो है वो आए हैं ST कैटेगरी में। और SC कैटेगरी में जो कट ऑफ गया है वो आया है 264 आउट ऑफ 900 और इनके पास में NCC का सर्टिफिकेट था, तो उन्हें 27 मार्क्स NCC सर्टिफिकेट के भी दिए गए हैं। और OBC की बात करें, EWS की, तो अगर EWS की बात करें तो इसमें लास्ट कट ऑफ गया है 310 EWS का कट ऑफ गया है और OBC का कट ऑफ गया है 331। और लास्ट आता है UR, तो UR का कट ऑफ हम देखें अगर, तो UR का कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। UR का कट ऑफ गया है 406। तो ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, सेकंड मेरिट लिस्ट रिलीज होगी। ये लिस्ट जो है वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये था BSc मैथ्स वालों के लिए। हम अगर BSc बायो वालों की बात करें तो BSc बायो का कट ऑफ देख लेते हैं हम कितना क्या गया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं रुद्रराज मोहंता के, और जिनको कॉम्बिनेशन दिया गया है जूलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, केमिस्ट्री, और इनके मार्क्स हैं आउट ऑफ 900 इनके 739 मार्क्स हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि फॉरेंसिक साइंस का कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है, तो ये जो स्टूडेंट हैं इन्होंने फॉरेंसिक साइंस कॉम्बिनेशन चूज़ करा था तो इन्हें सीट अलॉट हो चुकी है। अगर UR का हम कट ऑफ देखें तो UR का जो कट ऑफ गया है वो कट ऑफ गया है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं हम 442। लास्ट कट ऑफ जो UR का गया है वो 442 गया है। इसके बाद में दूसरी कैटेगरी अगर हम देखते हैं तो
ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ठीक है, ये चार कैटेगरीज और आती हैं। ये मैं लिस्ट शेयर कर दूँगी, आपको लिस्ट देख लेना, आपको कॉम्बिनेशंस अलॉट हो गए हैं अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग। ये चेंज हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप कॉम्बिनेशन चेंज नहीं करा सकते हो, कॉम्बिनेशन चेंज करा सकते हैं। आपको यूनिवर्सिटी आना पड़ेगा, वहाँ पे आपको बात करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी। अगर आपको ये कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए है तो आप वहाँ पे बात कर सकते हो। अब यहाँ पे नीचे कुछ नोट दिया हुआ है, यहाँ लिखा है दिस इज़ अ प्रोविजनल लिस्ट। ये प्रोविजनल लिस्ट है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, जब आपका फी डिपॉजिट हो जाएगा, तो एक फाइनल लिस्ट, अलॉटमेंट लिस्ट भी आएगी। इसके बाद में जो भी कैंडिडेट्स ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के हैं, उनको नया सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट, जो कि इशू हुआ हो 0104 के पहले, इस डेट के पहले। सेम इज़ विद एससी, एसटी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ऑल द स्टूडेंट्स नीड टू हैव द न्यू सर्टिफिकेट, न्यू कास्ट सर्टिफिकेट विच इज़ इशूड बाय गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी, एंड द डेट इज़ गिवन इज़ 1st of April। तो द सर्टिफिकेट शुड बी इशूड आफ्टर 1st of April और ऑन द सेम डेट। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको आप रिन्यू करा लीजिए, नया बनवा लीजिए। ये दो लिस्ट हैं, ये दोनों लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, और जो भी अपडेट्स आते हैं डॉक्टर हरि सिंह विश्वविद्यालय से रिलेटेड, वो मैं आपको इसी चैनल पर देती रहूँगी। तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनमें, और साथ ही में आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय।